हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जिस वीडियो में बात करने वाले कॉइन डीसीएक्स के बारे में, कॉइन डीसीएक्स में कस्टमर केयर से कैसे कांटेक्ट करें, कस्टमर केयर से कैसे बात कर सकते अगर आप कॉइन डीसीएक्स एप्लीकेशन यूज करते हैं और उसमें अगर आप पैसे को डिपॉजिट कर रहे हैं और सही तरीके से डिपॉजिट नहीं हो रहा है या फिर डिपॉजिट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बैंक अकाउंट ऐड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप किसी भी कॉइन को बाय और सेल करने में प्रॉब्लम आ रही है, और इसके साथ में अगर आप किसी भी चार्ज के रिलेटेड पूछना चाहते हैं, कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं कॉइन डीसीएक्स के, तो कैसे कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, सारा प्रोसेस इस वीडियो में सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। इसके साथ में अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो भी आप कस्टमर केयर से हिंदी में भी बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसके साथ में चैनल पर नया है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। आपको इस तरह के टेक्निकल वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। सो गाइस, कॉइन डीसीएक्स एप्लीकेशन को ओपन कर दिए और यहाँ से सिंपल तरीके से कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ से सिंपल से आपको होम पेज पे आना है और यहाँ से अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपल सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करना है और जस्ट आपको सबसे लास्ट में चैट विद अस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से सिंपल तरीके से अपन कन्वर्जेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट ए कन्वर्जेशन, इस पर क्लिक कर देना है और फिर आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपको केवाईसी और बैंक अकाउंट के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको इस पर क्लिक करना है। जिस भी रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है केवाईसी एंड बैंक अकाउंट के रिलेटेड। फिर जैसे आपको यहाँ पे बैंक रिलेटेड है तो यहाँ से इस पर क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद में आपको इधर से और भी ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर देना है और जैसा कि मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया है, जो भी प्रॉब्लम हो वो ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे वेट करना है, जस्ट नो कर देना है यहाँ से। और यहाँ पे आपको वापस पासबुक पर क्लिक करना है, मतलब कि जो भी ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करते ही रहना है। यहाँ पे कुछ भी आपको टाइप कर देना है, जो भी प्रॉब्लम रहती है उसके रिलेटेड, जैसा कि बैंक अकाउंट नंबर प्रॉब्लम, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया बिकॉज मेरी तो ये प्रॉब्लम है भी नहीं, लेकिन आप इस तरह से इनको सेंड करके आप इधर से कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। इसने यहाँ पे ऑटो जो मैसेज सेंड होता है उसमें इसने प्रोवाइड किया है कॉइन डीसीएक्स ने कि पीडीएफ या फ़ोटो सेंड करो जिससे अपन इससे डायरेक्ट बात कर सकते। तो यहाँ पे कोई भी फ़ोटो ले लेना है जल्दी से। मैंने यहाँ से नॉर्मल सा स्क्रीनशॉट क्लिक करके इनको सेंड कर दिया है और यहाँ पे देख लीजिएगा ये असिस्टेंट यहाँ से अपना कनेक्ट हो गया अपन से और इसने अपना नाम भी बता दिया है। इसका नाम है पूजा पी, ठीक है ना। और यहाँ से अपन इनसे बात करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसलिए मैं इधर से बैक आ जाता हूँ, फिर ये ऑटोमेटिक अपनी चैट बंद कर सकता है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिएगा मैं हाई इनको सेंड करता हूँ तो ये भी मुझे कुछ मैसेज करेंगे और इनसे अपन बात कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आपको हिंदी लैंग्वेज में समझना है, हिंदी लैंग्वेज में बात करनी है तो भी आप इधर से हिंदी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी कस्टमर केयर से बात करके रखी। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये देखिएगा जस्ट यहाँ पे इतनी सारी मैं कस्टमर केयर से, अलग अलग कस्टमर केयर से मैंने बात की है और जो कि मैंने हिंदी में बात की है। यहाँ पे देख लीजिएगा ये सारी मैंने प्रॉब्लम शो की इनके सामने और हिंदी में बात की है। तो आप इस तरह से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया और भी हेल्प चाहिए मुझसे तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे और कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।